प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में और गुप्त साम्राज्य में राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था में तमाम जो शासक हैं उनके संदर्भ में बात करेंगे। इससे पहले अपन ने गुप्त साम्राज्यों की स्रोत के बारे में बात कर लिया, उत्पत्ति के बारे में बात कर लिया और उनका निवास स्थान है इसके बारे में पढ़ने पढ़ ली। अब अपन बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में देखिए, गुप्त साम्राज्य में पहला शासक है, ये है श्री गुप्त। और श्री गुप्त है 275 से 300 ईस्वी। प्रथम शासक है और संस्थापक भी है श्री गुप्त। उपाधि जो इसकी है श्री गुप्त की, ये है महाराज। उपाधि महाराज की है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति, जो अभिलेख है इसके अंदर गुप्तों का संस्थापक आ गया है। गुप्तों का क्या कहा गया है, इसको संस्थापक कहा गया है। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत सिंह है अपने अभिलेखों में इसको चेली केतो यानी श्री गुप्त है, ये चेली केतो है, इसने चीन का मंदिर बनवाया चीन के यात्रियों के लिए, जिसे मृग शिखावन कहा जाता है। मृग शिखावन है ये, नालंदा भी मृग शिखावन का ही नाम है। नेक्स्ट है प्रभावती गुप्त का पुन्ना ताम्र पत्र अभिलेख है। पुन्ना ताम्र पत्र अभिलेख है, इसके अंदर श्री गुप्त के लिए आदिराज शब्द का प्रयोग हुआ है। श्री गुप्त के लिए आदि राज शब्द का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। अच्छी बात है सर। अब बात करें घटोत्कच की, तो घटोत्कच है, यह 280 से 319 ईस्वी। उपाधि है इसकी महाराज, उपाधि महाराज है। नेक्स्ट है प्रभावती गुप्त का पुन्ना ताम्रपत्र अभिलेख। और दूसरा है रिद्धपुर ताम्र पत्र लेखों के अंदर इसे गुप्त वंश का संस्थापक है यह कहा गया है। गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है। नेक्स्ट है स्कंद गुप्त के सूपिया रीवा लेख के आधार पर, रीवा लेख के आधार पर गुप्तों की वंशावली शुरू होती है। नेक्स्ट देखें, अब बात करें अपन चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है या गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक है, यह प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। उपाधि देखिए, इसने कौन कौन सी धारण करी उपाधि, महाराजा धीराज, ये उपाधि पूछी जाती है कि गुप्त वंश में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण करी। नेक्स्ट है इसने गुप्त संवत चलाई और गुप्त संवत है यह 319 से
ईस्वी में स्थापित की। नेक्स्ट अपन देखिए, गुप्त शक व गुप्त सम्वत के मध्य अंतर। शक व गुप्त सम्वत के मध्य जो अंतर है ये कितने वर्षों का है? 241 वर्ष का है। नेक्स्ट है विवाह। विवाह की अपन बात करें तो लिच्छवी 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 की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से, कुमार देवी से इसने क्या किया? विवाह किया। और यहां पर दहेज में इसको क्या मिला? वैशाली मिला था, दहेज में वैशाली मिला था। जानकारी के जो स्रोत हैं ये देखिए क्या क्या है। जानकारी के स्रोत कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्राएं जिन मुद्राओं को लिच्छवी लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार की मुद्रा कहा जाता है, विवाह प्रकार की मुद्रा कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए राज्य का विस्तार है इसका, राज्य विस्तार इसकी अपने को जानकारी है, यह है वायु पुराण में मिलती है। यह गुप्तों का वास्तविक संस्थापक भी है, गुप्तों का वास्तविक संस्थापक भी है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए चंद, अपन राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं और राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त है, यह है गुप्तों का प्रथम शासक है, संस्थापक है। उपाधि कौन सी धारण करी? महाराज की उपाधि धारण करी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार गुप्तों का संस्थापक है, यह है इत्सिंग जो है इसके अनुसार, इत्सिंग कहता है कि चेली केतो ने, यानी श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त को क्या कहते हैं? इत्सिंग चेली केतो सबसे नाम लेता है इसका, कि चेली केतो ने चीन के व्यापारियों के लिए और भारत में क्या बनवाता है? एक चीन का मंदिर बनवाता है जिसे मृग शिखावन भी कहते हैं, और मृग शिखावन का नाम ही क्या वर्तमान में कौन सा नाम है? नालंदा। नालंदा को क्या कहते हैं? मृग शिखावन। तो नालंदा के अंदर इसने चीन का क्या बनवाया था? एक मंदिर बनवाया था चीन के व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। प्रभावती जो गुप्त है, प्रभावती गुप्त की अपन बात करें तो देखिए प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख है, इसके अंदर श्रीगुप्त को क्या कहा गया है? आदिराज कहा गया। श्रीगुप्त को क्या कहा गया साहब? आदिराज कहा गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करें घटोत्कच है, घटोत्कच है इसे महाराज कहा गया, और प्रभावती गुप्त का पूना अभिलेख है, और एक अभिलेख है रिद्धपुर का ताम्रपत्र अभिलेख, इसके अंदर गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा गया साहब? घटोत्कच को कहा गया है। तो यह बात ध्यान में रखनी है आपको। एक स्कंद गुप्त का सूपिया अभिलेख जो रीवा एमपी के अंदर है, इस अभिलेख के आधार पर भी गुप्तों की वंशावली कहां से शुरू होती है? घटोत्कच से शुरू होती है। तो दो अभिलेख हैं, एक तो सूपिया का अभिलेख, एक प्रभावती का अभिलेख, एक रिद्धपुर का अभिलेख। इनसे अपने को किसकी जानकारी मिलती है? घटोत्कच के बारे में जानकारी मिलती है। किस विषय में मिलती है कि घटोत्कच है, यह है संस्थापक है कौन से वंश का? गुप्त वंश का। नेक्स्ट अपन देखें चंद्रगुप्त प्रथम, ये इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक है, और इसको वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं गुप्त वंश का। इसने उपाधि धारण करी महाराजाधिराज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जाता है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो कौन आ गया? चंद्रगुप्त प्रथम आ गया। अब गुप्त संवत चलाए इसने 319 से 20 ईस्वी में। शक संवत और गुप्त संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्षों का अंतर है। अब अपन बात करते हैं इसका जो विवाह हुआ, ये देखिए लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ, और दहेज में इसको क्या मिला? वैशाली मिला था। इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? स्वर्ण मुद्राएं जो हैं इनसे जानकारी मिलती है। कौन कौन सी स्वर्ण मुद्राएं हैं? लिच्छवी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा, राजा रानी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा, विवाह प्रकार की स्वर्ण
मुद्रा। अब अपन बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, इस अभिलेख के अंदर समुद्रगुप्त है इसको क्या कहा गया है, लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। यानी लिच्छवियों का जो दोहिता या लिच्छवियों का जो दोहित्र है ये कौन था, दुहिता। लिच्छवी लिच्छवियों का जो दुहिता था वो कौन था, समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त है यह किसका पुत्र था, कुमार देवी का पुत्र था। अब अपन बात करते हैं राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त का जो राज्य विस्तार है ये अपने को किसमें दिखाई देता है, वायु पुराण में इसका राज्य विस्तार वर्णित है। तो ये बात हो गई आपके चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में चंद्रगुप्त है इसने अपने जीते जी ही अपना जो उत्तराधिकारी है यह किसे नियुक्त कर दिया था, समुद्रगुप्त को नियुक्त कर दिया था, इसका पुत्र था ये। राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं अपन। और अब बात करेंगे समुद्रगुप्त की। देखिए सर, समुद्रगुप्त की बात करेंगे, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं समुद्रगुप्त अब बनता है। देखिए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 75 तक का कार्यकाल था। वीए स्मिथ ने इसे, वीए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा भी। नेक्स्ट है गुप्त वंश का या गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार किया ना वो किसने किया, समुद्रगुप्त ने किया। इसकी उपाधियां देख लो भी, उपाधियां तो उपाधि में देखें अपन, प्रक्रमांक, प्रतिरथ, व्याघ्र प्राक्रम। नेक्स्ट है सर्वराजोचेता। नेक्स्ट है लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र। नेक्स्ट है धर्म की प्राचीर, धर्म की प्राचीर। नेक्स्ट है कविराज। ये जो थे इसने उपाधियां धारण करी। नेक्स्ट देखें आप, जानकारी कहां से मिलती है इस इनके बारे में, जानकारी जानकारी देखें सर, जानकारी में देखें तो स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति, इंपोर्टेंट स्रोत है इसका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसे ही इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी यही है। रचना है इसकी किसने करी, हरिसेन ने करी, रचना हरिसेन ने। लिपि कौन सी है साहब, ब्राह्मी लिपि है। भाषा कौन सी इसकी, संस्कृत भाषा है। शैली कौन सी इसकी, शैली है चंपू। गद्य व पद चंपू शैली है। नेक्स्ट है इसको इसका लेखन का कार्य, लेखन कार्य है ये किसने किया, तिल भट्ट ने क्या किया, इसका लेखन कार्य है ये किया। आगे देखिए इसके ऊपरी भाग, इसके ऊपरी भाग में मौर्य शासक अशोक का लेख है। ऊपरी भाग में मौर्य शासक अशोक, मौर्य शासक अशोक है इसका लेख है। नेक्स्ट है अकबर ने इलाहाबाद में इसे स्थापित करवाया, कौशाम्बी में था ये, इलाहाबाद में इसको स्थापित करवाया। नेक्स्ट है इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें
कोसाम्बी, इसमें कोसाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने संबंधी आदेश दिए हैं। नेक्स्ट है, जहांगीर व बीरबल का लेख भी है इसके ऊपर। इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय योजना है। समुद्रगुप्त की दिग्विजय योजना का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, भी देखिए समुद्रगुप्त की अपन बात कर रहे हैं। इंपोर्टेंट शासक है, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट शासक है गुप्त वंश का। वीए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। 335 से 75 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसके समय उपाधियां देखिए तो परां प्रक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराजोचेता, लिच्छवी जोहित्र, द्रंकी प्राचीर और कविराज जो हैं इसके क्या थे, उपाधियां थी। अब इसके बारे में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख, इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और शैली कौन सी? चंपू। चंपू शैली यानी गद्य व पद्य में लिखा गया। इसको पत्थर के ऊपर लिखने का काम किसने किया? तिल भट्ट ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके ऊपरी भाग पर मौर्य शासक अशोक के लेख हैं। अकबर ने इलाहाबाद में इसको स्थापित करवाया था। कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया था अकबर इसको। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने संबंधी आदेश दिए गए हैं। इसमें जहांगीर व बीरबल का लेख भी है। इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय की योजना आपको दिखाई देती है। तो देखिए ये बात कर रहे हैं अपन प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति की और इंपोर्टेंट बातें हैं वो देखिए आप। प्रयाग प्रशस्ति में और क्या क्या इंपोर्टेंट बातें आपको दिखाई देती हैं। प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त की बात चल रही है अपनी, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा है। 100 युद्धों का विजेता कहा है। समुद्रगुप्त की विजयों का उद्देश्य, इनकी जो विजय थी उनका जो उद्देश्य था ये था धरणी बंद। उद्देश्य क्या था? धरणी बंद। इसकी चौथी पंक्ति के अंदर, चौथी पंक्ति में राज्याभिषेक है समुद्रगुप्त का, चौथी पंक्ति में। नेक्स्ट है इसकी सातवीं पंक्ति में, सातवीं जो पंक्ति है इसमें नागों पर विजय का उल्लेख है। नेक्स्ट है इसकी जो आठ, इसकी जो 13वीं और 14वीं पंक्ति है, 13वीं व 14वीं पंक्ति है इसमें आर्यावर्त की प्रथम विजय है। आर्यावर्त की प्रथम विजय है। इसकी 21वीं पंक्ति है इसमें आर्यावर्त की दूसरी विजय है। आर्यावर्त की दूसरी विजय, आठविक जो राज्य थे इनके ऊपर विजय प्राप्त करी गई। नेक्स्ट है 19 व 20वीं पंक्ति में दक्षिणा पथ की विजय है। नेक्स्ट है 22वीं पंक्ति के अंदर सीमावर्ती राज्यों का, सीमावर्ती राज्यों का क्या है, का वर्णन है। सीमावर्ती राज्यों का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है 23, 24वीं पंक्ति में विदेशी विदेशी राजा शक कुषाण मरुंड और सिंगल का क्या दिया गया है, वर्णन दिया
गया है। तो ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति थी। अब अपन बात करते हैं एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख है ये सागर एमपी में है। क्या जानकारी मिलती है इसमें? समुद्रगुप्त को प्रथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी बताया। नेक्स्ट है इसमें बताया प्रसन्न होने पर कुबेर व रुष्ट होने पर यम के समान कौन दिखाई देता है? समुद्रगुप्त दिखाई देता है। नेक्स्ट है पत्नी दत्त देवी का इसमें उल्लेख है। और एरण, एरण है इसको भोजनगर भी कहा गया है, भोजनगर भी कहा गया है। एक है नालंदा का ताम्रपत्र लेख, इसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? परम भागवत कहा गया है। देखिए अपन बात करते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति चल रही थी। प्रयाग प्रशस्ति में देखें आप और क्या इंपॉर्टेंट बात बनेगी। प्रयाग प्रशस्ति में इसको 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। और इनकी जो विजय थी, इनका जो उद्देश्य था, ये क्या था? धरणी बंध। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार प्रयाग प्रशस्ति की चौथी लाइन में क्या दिया गया है? समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक। सातवीं लाइन में क्या है? नागों पर विजय। तेरहवीं और चौदहवीं लाइन में क्या है? आर्यावर्त की पहली विजय। इक्कीसवीं लाइन में क्या है? आर्यावर्त की दूसरी विजय यानी आठवीं के राज्यों की विजय। 19 और 20वीं पंक्ति में क्या है? दक्षिणापथ की विजय। और 22वीं पंक्ति में क्या दे रखा है? सीमावर्ती राज्यों का वर्णन है। 23 व 24वीं पंक्ति में क्या है? विदेशी राजा जो है इनका वर्णन मिलता है। शक, कुषाण, मरुंड, सिंगल आदि का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब अपन बात करते हैं एरण अभिलेख। एरण अभिलेख है कहां से मिलता है अपने को? सागर एमपी से मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त को प्रथु व राघव राजाओं से भी बढ़कर दानी बताया गया भी। और बताया गया है कि प्रसन्न होने पर कुबेर के समान और नाराज होने पर यम के समान दिखाई देता है। कौन? समुद्रगुप्त। इसकी पत्नी दत्त देवी का उल्लेख है ये सभी लेख के अंदर। और एरण है इसका जो नाम है, एक भोजनगर भी नाम मिलता है। कौन से अभिलेख के अंदर? एरण अभिलेख में ही। नालंदा का ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? परम भागवत, परम भागवत कहा गया है। तो ये बात हो गई आपके एरण अभिलेख की, प्रयाग प्रशस्ति की। अब आगे देखिए समुद्रगुप्त के द्वारा 6 मुद्राएं चलाई गई थी और इन 6 मुद्राओं के ऊपर भी समुद्रगुप्त की विशेष जानकारी मिलती है। तो मुद्राएं देखिए 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई इसने। मुद्राएं कितने प्रकार की चलाई? 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई। इसमें पहली जो मुद्रा है ये है गरुड़ प्रकार की मुद्रा। इसमें राजा अलंकृत वेशभूषा में दिखाया गया है, अलंकृत वेशभूषा में दिखाया गया है। इसको इस मुद्रा में सैकड़ों युद्धों का विजेता बताया गया है, सैकड़ों युद्धों का विजेता या सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला कहा है। और पराक्रम शब्द है यह अंकित है इस मुद्रा पे, गरुड़ प्रकार की मुद्रा पे। अब है धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा, इसमें सम्राट को बाणधारी दिखाया गया है, बाणधारी यानी धनुष बाण ले रखे हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें कहा गया है कि अजय राजा पृथ्वी को जीतकर
उत्तम कार्यों से स्वर्ग, उत्तम कार्यों से स्वर्ग को जीतता है, स्वर्ग को जीतता है। अपन बात करें तो देखिए उपाधि है, उपाधि में देखेंगे उपाधि क्या इसने इस मुद्रा में धारण करी, अप्रतिरथ की उपाधि इसने इस मुद्रा के अंदर धारण करी हुई। तीसरे नंबर पे जो इसकी मुद्रा है ये परशु प्रकार की इसके अंदर इसकी उपाधि है समुद्रगुप्त की, और उपाधि कौन सी है, कृतांत परशु की उपाधि है। चौथा देखिए अश्वमेघ, अश्वमेघ अश्वमेघ की अपन बात करें तो यहां पर अश्वमेघ प्रकार की जो मुद्रा है इसमें अश्वमेघ यज्ञ है यह किए जाने का प्रमाण है। इसमें दत्त देवी की आकृति है, और अश्वमेघ पराक्रम अंकित है। नेक्स्ट है पांचवें नंबर पे व्याघ्र हनन में देखिए मकर वाहिनी गंगा के साथ राजा समुद्रगुप्त अंकित है। नेक्स्ट देखिए छठा वीणा वादन प्रकार की मुद्रा है, इसमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और महाराजा धीराज समुद्रगुप्त इस पर क्या है, अंकित है। तो ये बात थी समुद्रगुप्त की मुद्राओं में। तो देखिए गरुड़ प्रकार की मुद्रा है, इसके ऊपर राजा का अलंकरण है, वेशभूषा युक्त है, सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला कहा गया राजा को, और पराक्रम शब्द है राजा के लिए अंकित है। दूसरी मुद्रा है धनुर्धारी, इसमें सम्राट को बाण धारी दिखाया गया है। अजय राजा पृथ्वी को जीतकर उत्तम कार्यों से स्वर्ग को प्राप्त करता है, यह है इसके अंदर लिखा हुआ है। और सम्राट की उपाधि इसमें क्या दी गई है, अप्रतिरथ दी गई है समुद्रगुप्त की। अब परशु प्रकार का सिक्का है, इसमें समुद्रगुप्त के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, कृतांत परशु। अश्वमेघ है, इसमें अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में, दत्त देवी की आकृति इस पर अंकित है, और अश्वमेघ यज्ञ पराक्रम शब्द है यह है अंकित है इस पे। व्याघ्र हनन मकर वाहिनी गंगा के साथ में राजा समुद्रगुप्त अंकित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीणा वादन, इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और एक शब्द अंकित है महाराजा धीराज समुद्र गुप्त। तो ये बात होगी समुद्रगुप्त की प्रमुख मुद्राओं के बारे में। छह प्रकार के इसने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, और कौन कौन सी मुद्रा पे कौन कौन सा अंकन है और क्या क्या शब्द लिखा गया है समुद्रगुप्त के लिए, वो सारी बातें अपन ने की। अब बात करेंगे साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे। समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार देखिए सब, समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार है इसके संदर्भ में देखेंगे तो देखिए पहली है आर्यावर्त की विजय कितनी बार, दो बार आर्यावर्त की विजय की। तो देखिए पहली जो विजय है, प्रथम जो विजय है, सर्वप्रथम समुद्रगुप्त की विजय नीति के तहत तीन जो शक्तियां थी इनका दमन किया गया। तीन शक्तियां जो थी इनका दमन किया गया, ये शक्तियां कहाँ की थी, उत्तर
भारत की तीन शक्तियां थी, कौन कौन सी? देखिए, अही आही छत्र, बरेली यूपी। शासक कौन था यहाँ का? अच्युत। नेक्स्ट है, दो नंबर पे है पद्मावती, पद्मावती ग्वालियर, ग्वालियर ग्वालियर में है यहाँ का शासक नागसेन। नेक्स्ट है, तीन नंबर पे है दिल्ली व पूर्वी पंजाब, यहाँ का शासक है कोत कुलज, यहाँ का शासक कोत कुलज। प्रयाग प्रशस्ति में 13वीं व 14वीं पंक्ति के अंदर इनका वर्णन है, यह मिलता है। तो ये तो बात हो गई पहली विजय की। अब बात करें दूसरी, दूसरी विजय। तो दूसरी विजय में दक्षिण भारत से लौटते समय, दक्षिण भारत से लौटते समय 9 राजाओं को इसने पराजित किया था। 9 राजा कौन कौन से हैं? तो ये देखिए आप, रुद्र देव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन। नेक्स्ट है अच्युत, नेक्स्ट है नंदी, और नेक्स्ट है बलवर्मा। ये थे प्रमुख शासक, और इन सभी शासकों का एक संघ बना था, और इस संघ का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल के चंद्रवर्मा ने, बंगाल के चंद्रवर्मा ने इस संघ का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। नेक्स्ट है, ये जो वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति की, कौन सी लाइन में मिलता है? 21वीं पंक्ति के अंदर इसका वर्णन है, यह दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, अपने राज्य में जो इन क्षेत्रों को मिलाया, तो इस नीति को एक नाम दिया गया है, प्रश्न बोधरण, प्रश्न बोधरण, या दूसरा नाम है मूलो छेदन, मूलो छेदन नीति कहलाती है इसकी। देखिए, राज्य विस्तार के बारे में बात करें, आर्यावर्त की कितनी विजय करी? 2 विजय करी आर्यावर्त की, 2 विजय करी। पहली विजय देखिए, प्रथम विजय है, प्रथम समुद्रगुप्त की विजय नीति के तहत कितनी शक्तियों का दमन किया गया? 3 शक्तियों का दमन किया गया, और ये शक्तियां कहां पर थी? उत्तर भारत में थी। 3 शक्तियां कौन कौन सी? अहिछत्र बरेली यूपी का शासक था अच्युत, पद्मावती ग्वालियर का शासक था नागसेन, दिल्ली व पूर्वी पंजाब का शासक था कोतकुलज। ये जो विजय मिलती है इसकी, ये समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं से 14वीं लाइन में ये विजय का वर्णन मिलता है। दूसरी विजय देखिए आर्यावर्त की, दक्षिण भारत में लौटते समय 9 राजाओं का दमन किया था, और ये 9 राजाओं का दमन है, ये देखेंगे आप, रुद्रदेव, मतिल, नागसेन, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागदत्त, अच्युत, नंदी, बलवर्मा। अच्छा, इन 9 राजाओं ने एक संघ बनाया था समुद्रगुप्त से लड़ने के लिए, और इस संघ का नेतृत्व बंगाल का चंद्रवर्मा कर रहा था। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो विजय है ये प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं लाइन में दी गई है, और समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त के खिलाफ जो विजय की नीति अपनाई, इस विजय की नीति का एक नाम है प्रश्नबोधरण या मूलोच्छेदन। इंपोर्टेंट बात है, यानी आर्यावर्त के खिलाफ अपनाए गए समुद्रगुप्त की विजय नीति या युद्ध नीति का नाम बताओ, तो प्रश्नबोधरण या मूलोच्छेदन, यानी समूल नाश। नेक्स्ट देखिए, आर्यावर्त की विजय के बाद में ये आर्यावर्त की अपन ने विजय देखी है, इंपोर्टेंट बात बनती है आर्यावर्त की विजय से। अब अपन बात करेंगे
दो नंबर पे देखेंगे तो दक्षिणा, दक्षिणा पथ युद्ध, ये देखिए, ये है विंध्य, विंध्य पर्वत से दक्षिण में कृष्णावय तुंगभद्रा का क्षेत्र कौन सा कहलाता था? दक्षिणा पथ कहलाता था। इसके तहत 12 राज्यों को जीतता है, 12 राज्यों का क्षेत्र था यह है दक्षिणा पथ। कौन कौन से राज्य थे? 12 राज्य, और इन राजाओं के राजा कौन कौन से थे? एक तो है कौशल, कौशल का शासक कौन सा? अब मेंदर। दूसरा है पिष्टपुर, पिष्टपुर का कौन? मेंदरगिरी। तीसरा है महाकांतार, महाकांतार का कौन है? व्याघ्रराज। नेक्स्ट है कोट्टूर, कोट्टूर का कौन है? स्वामी दत्त, स्वामी दत्त है कोट्टूर का। नेक्स्ट है पांचवें नंबर पे तो देखिए कोराल, कोराल का कौन है? मंटराज। छठे नंबर पे देखें एडर पल, एडर पल का कौन है? दमन। आगे देखिए कांची, कांची का कौन है? विष्णु गोप। नेक्स्ट है वेंगी, वेंगी का कौन है? हस्ती वर्मा। नेक्स्ट है अवमुक्त, अवमुक्त का कौन है? नीलराज, नीलराज। नेक्स्ट है पालक, पालक का कौन है? उग्रसेन। नेक्स्ट है देवराष्ट्र, देवराष्ट्र, देवराष्ट्र का कौन है? कुबेर। नेक्स्ट है कुस्थलपुर, कुस्थलपुर का कौन है? धनंजय, धनंजय। देखिए इतिहासकार डुबरिल, इतिहासकार डुबली डुबरिल के अनुसार एक संघ बना था, संघ बना था पूर्वी दक्कन राज्यों का, दक्कन राज्यों का, और इस संघ का नेतृत्व तो किसने किया था? विष्णु गोप के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है यह है जो नीति है समुद्रगुप्त की, यह है राज ग्रहण मोक्षानुग्रह, राजग्रहण मोक्षानुग्रह कहलाती है। राय चौधरी के अनुसार यह है समुद्रगुप्त की धर्म विजय नीति थी, धर्म विजय नीति थी। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति के 19 से 20 पंक्ति में इन राज्यों का वर्णन मिलता है, इन राज्यों को क्या मिलता है? सब वर्णन आपको मिलता है। देखिए अपन बात करते हैं समुद्रगुप्त की दक्षिणा पथ युद्ध नीति के बारे में। विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण के कृष्णा व तुंगभद्रा का जो क्षेत्र था ये दक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता था। इसमें 12 राज्यों का स्थान था। देखिए कौन कौन से शासक हैं, कौन कौन से राजे? कौशल का कौन है? महेंद्र। पिष्टपुर का कौन है? महेंद्रगिरी। महाकांतार का कौन है? व्याघ्रराज। कोट्टूर का कौन है? स्वामी दत्त। कोराल का कौन है? मंटराज। एडरबल का कौन है? दमन। कांची का कौन है? विष्णु गोप। वेंगी का कौन है? हस्ती वर्मा। और अवमुक्त का कौन है? नीलराज। पालक का कौन है?
उग्रसेन देवराष्ट्र का कौन है, कुबेर कुस्थलपुर का कौन है, धनंजय। इस प्रकार यह 12 राज्य थे दक्षिण भारत के अंदर। डुबरील इतिहासकार है इसके अनुसार पूर्वी दक्कन राज्यों का एक संघ बनाया था और इस संघ का नेता किसे चुना गया था, विष्णु गोप को चुना गया था। किससे युद्ध करने के लिए, समुद्रगुप्त से युद्ध करने के लिए। यानी इन 12 राज्यों का एक संघ बना और इस संघ का प्रमुख नेता किसे चुना, विष्णु गोप को चुना। ये समुद्रगुप्त की जो नीति है ये कहलाती है राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राय चौधरी है, ये क्या कहता है कि यह समुद्रगुप्त की धर्म विजय थी और प्रयाग प्रशस्ति के 19 से 20 पंक्ति के अंदर इन दक्षिण के 12 राज्यों का वर्णन मिलता है। तो ये समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ की विजय हो गई, दक्षिण पथ की विजय हो गई। मोक्षानुग्रह की नीति जो है यह अपनाता है इनके विरुद्ध। और इससे पहले अपन ने आठवीं राज्यों की बात करी थी, तो आठवीं राज्यों में प्रसबोधन या मूलाच्छेदन की नीति है यह है अपनाता है। इसके बाद में है आठवीं राज्यों की विजय। आठवीं राज्यों की विजय इसमें देखिए ये जो राज्य थे विंध्य पर्वत, मध्य भारत, उड़ीसा से लगे हुए थे। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति के अंदर इनका वर्णन किया गया है। ये देखिए ये कौन कौन से राज्य थे, तो देखेंगे आठवीं राज्यों के अंदर पूर्वी सीमा है, पूर्वी आठवीं राज्य है सीमावर्ती, सीमावर्ती सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य। तो देखिए पूर्वी सीमा के जो राज्य थे ये कौन थे, समतट, डबाक, कामरूप, ये तो है बंगाल का राज्य, डबाक है ये बांग्लादेश का है वर्तमान में, तो बांग्ला देश ये है बंगाल, और कामरूप है असम का राज्य, और है करतपुर, करतपुर है वास पंजाब जालंधर का क्षेत्र, और नेपाल। तो पूर्वी सीमा के ये राज्य थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पश्चिमी सीमा के राज्य। पश्चिमी सीमा के जो राज्य थे इनके ऊपर विजय करता है पश्चिमी। ये प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति के अंदर आपको देखने को मिलता है। कौन कौन से राज्य थे साहब, पश्चिम के अंदर मालव, मालव कहाँ था, अजमेर, मेवाड़ और टोंक का क्षेत्र। दूसरा है अर्जुनायन, अर्जुनायन है दिल्ली, आगरा, जयपुर का क्षेत्र। तीन सा है, तीसरा है योद्धे, योद्धे है पंजाब का क्षेत्र। फिर है मद्रक, ये है सियालकोट का क्षेत्र। नेक्स्ट है अभीर, ये है सिंधु सभ्यता का दक्षिण भाग। नेक्स्ट है प्राजुन, ये है बिलसा का क्षेत्र। नेक्स्ट है सनकानिक, सनकानिक सनकानिक है ग्वालियर। नेक्स्ट है खारवटिक, खारवटिक ये है आपका एमपी का क्षेत्र। नेक्स्ट है काक, काक है बिलसा से 20 मील दूर।
नेक्स्ट है, आर्कटिक व सीमावर्ती राज्यों से, आर्कटिक व सीमावर्ती राज्यों से इसने कौन सी नीति अपनाई, सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्रमाणागमन की नीति अपनाई। देखिए साहब, अपन बात करते हैं सीमावर्ती राज्यों के संदर्भ में। तो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य में एक तो आर्कटिक राज्य हैं जो पूर्वी क्षेत्र में थे, और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपके 9 राज्यों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, आर्कटिक राज्य जो हैं ये विंध्य पर्वत, मध्य भारत और उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र थे। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं लाइन में इसका जिक्र किया गया है। पूर्वी सीमा पर कौन कौन से राज्य थे, ये देखिए, समतट, बांग्लादेश, डबाक, बंगाल, कामरूप, असम, कर्तपुर, पंजाब, नेपाल, ये 5 राज्य थे। इसके बाद में ये तो थे आपके पूर्वी सीमा, और पश्चिमी सीमा पर जो थे ये 22वीं पंक्ति के अंदर इनका वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में। तो देखिए यहाँ पर 9 राज्यों का जिक्र आता है। मालवा, अजमेर, मेवाड़ टोंक में था, अर्जुनायन दिल्ली, आगरा, जयपुर में था, युद्धे पंजाब में था, मद्रक, सायलकोट, अभीर सिंधु घाटी का दक्षिणी भाग, प्राजुन, बिलसा, सनकानिक, ग्वालियर, कारवटिक, एमपी, काक, बिलसा से 20 मील दूर। तो ये जो थे यह 9 राज्य थे जो पश्चिमी सीमा से लगे हुए थे समुद्रगुप्त के साम्राज्य से। तो इनके ऊपर ये विजय प्राप्त करता है, और समुद्रगुप्त है यह इन राज्यों से जो युद्ध की नीति अपनाता है ये कौन सी है, सर्व कर दान, यानी कर का क्या करो, दान करो, टैक्स दो, आज्ञाकरण, समुद्रगुप्त की आज्ञा मानो, और प्रणामागमन यानी गरुड़ जो है, गरुड़ के दंड को क्या करो, प्रणाम करो। गरुड़ जो था ये है समुद्रगुप्त का राज्य का प्रतीक चिन्ह था, यानी कर दो, आज्ञा मानो और प्रणाम करो। अब आगे देखिए कुछ विदेशी राज्य हैं, इनकी चर्चा होगी, विदेशी राज्यों की चर्चा, विदेशी राज्यों की चर्चा है इसमें। देखिए आप विदेशी राज्यों के साथ में संबंध, विदेशी राज्य हैं साहब, विदेशी राज्य के साथ में संबंध देखें तो यह है प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं व 24वीं पंक्ति के अंदर है। कौन कौन से, सक, रुद्र सिंह थर्ड की चर्चा, रुद्र सिंह सेकंड की चर्चा हुई है सक राजा के रूप में, कुषाण, कुषाण राजा के रूप में केदार की चर्चा हुई है, सीहल, सीहल राजा ये श्रीलंका का था, श्रीलंका का राजा है, इसके बारे में चर्चा हुई है। एक मरुंड, मरुंड जो क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा हुई है। इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी समुद्रगुप्त की। और यहां पर जो समुद्रगुप्त के द्वारा जो नीति अपनाई जाती है, ये जो नीति अपनाई जाती है ये है आत्मनिवेदन, कन्योपायन दान, आत्मनिवेदन, कन्योपायन दान और गुरुत्मंदक, ये इसने अब क्या करवाई नीति है, इस नीति के तहत इसने ये विजय प्राप्त करी। और 23वीं व 24वीं पंक्ति के अंदर इनका जिक्र है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, कौन सी, 23वीं व 24वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं समुद्र, समुद्रगुप्त है ये बौद्ध भिक्षु वसुबंधु से क्या ली थी, वसुबंधु को संरक्षण
देता ही है। वसुबंधु को क्या देता है साहब? संरक्षण है, यह है देता है। देखिए अपन बात करते हैं विदेशी राज्य। 23वीं 24वीं पंक्ति के अंदर इसका वर्णन है, सक राजा रुद्र सिंह द्वितीय का वर्णन है, कुषाण शासक केदार का वर्णन है, श्रीलंका का वर्णन है, मरुंड राज्य का वर्णन है, यानी इन चार राज्यों का वर्णन है, ये विदेशी राज्यों के अंदर है। इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी किसकी? समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त की विदेशी राज्यों पर विजय की नीति थी वो कौन सी थी? आत्मनिवेदन, कन्योपायदान और गुरुत्मंदक। यानी क्या करो, गुप्त राजाओं के सामने नतमस्तक हो जाओ। आत्मनिवेदन, कन्योपायदान, क्या करो, अपनी कन्या का विवाह है यह गुप्त वंश के राजाओं के साथ में और गुप्त वंश के राजकुमारों के साथ में करो। गुरुत्मंदक, जो गरुड़ दंड है उनका क्या करो, सम्मान करो। गुरुड़ दंड है उसका सम्मान करो। गुरुड़ दंड है यानी गुरुड़ जो था यह है गुप्त साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं समुद्रगुप्त है, इसने किसको संरक्षण दिया था? बोध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। तो ये जो बात थी ये आपकी समुद्रगुप्त के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा थी। इसके बाद में अपन बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। धन्यवाद।